Hey guys, my name is Khushi and today's topic discuss now cranial bone, suture and front. First, cranial bone. तो हमारे skull में एक cranial bone present होते हैं. First, frontal, two parietal, one occipital, two temporal, each side or ये जो बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है ये स्फिनोइड और ये ऊपर की साइड टॉप में जो दिख रहा है ये इथमोइड. ओके, डिस्कस नाउ सूचर. तो हमारे जो ब्रेन में यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल और स्कल में जो भी ये बोन है वो आपस में जॉइंट रहते हैं और ये आपस में जॉइंट ये सूचर की वजह से रहते हैं. सूचर एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और एक वो इनमूवेबल होता है यानी कि जो ये बोन है आपस में कनेक्ट रहते हैं वो मूवेबल नहीं हो सकते. जैसे कि हमारे साइनोवियल जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है, ये क्या होते हैं इनमूवेबल होते हैं यानी कि ये जो बोन आपस में कनेक्ट होते वो मूव नहीं कर सकते, इनमूवेबल होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं. फर्स्ट सूचर डिस्कस नाउ फ्रंटल सूचर. यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्रंटल सूचर. ये जो फ्रंटल बोन है दो फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर प्रेजेंट होता है और ये न्यू बॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है. ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिलता है क्योंकि एट मंथ के बाद या 12 मंथ के बाद ये सूचर क्लोज होता है और फिर एडल्ट में देखने को नहीं मिलता है. ये वाला कोरोनल सूचर. कोरोनल सूचर प्रेजेंट होता है वन फ्रंटल बोन और टू पैराइटल बोन के बीच में. सजाइटल सूचर प्रेजेंट होता है दो पैराइटल बोन के बीच में. फिर लैम्बर्ड सूचर. लैम्बर्ड सूचर प्रेजेंट होता है दो पैराइटल बोन और वन ऑक्सीपिटल बोन के बीच में. फिर क्वामस सूचर. क्वामस सूचर प्रेजेंट होता है वन पैराइटल और वन टेम्पोरल बोन के बीच में, ईच साइड दोनों साइड प्रेजेंट होता है ये सूचर. ओके, तो फर्स्ट फ्रंटल, कोरोनल, सजाइटल, लैम्ब्रॉइड एंड स्क्वामस सूचर. ओके, डिस्कस नाउ फ्रंटल. तो फ्रंटल क्या होते हैं, जहाँ पे ये सूचर दिखते हैं वहाँ पे वो पार्ट होता है फ्रंटल. यानी कि ये जो फर्स्ट कोरोनल सूचर है और ये सजाइटल सूचर है, इस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे सब जगह, ये जब सब सूचर मिल जाते उस पार्ट को कहते हैं फ्रंटनल. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है एंटेरियर पार्ट जहाँ पे वन फ्रंटल बोन टू पैराइटल बोन का फ्रंटल कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर जहाँ मिलते हैं उस पार्ट को कहते हैं ब्रेगमा. एंटेरियर पार्ट एज कॉल्ड ब्रेगमा. कोरोनल सूचर और लैम्ब्रॉइड सूचर जहाँ पे मिलते हैं पोस्टेरियर पार्ट एज कॉल्ड लैम्ब्डा. और यहाँ पे जो पार्ट है एंटेरियर लेटरल पार्ट. एंटेरियर लेटरल पार्ट क्यों कहते हैं कि एंटेरियर प्रेजेंट है और लेटरल साइड प्रेजेंट है. तो ये जो पार्ट है उस पार्ट को कहते हैं एंटेरियर लेटरल पार्ट, स्फिनोइडल पार्ट. और ये जो पीछे का पोस्टेरियर लेटरल पार्ट है क्योंकि पोस्टेरियर साइड प्रेजेंट है और दोनों की साइड ईच साइड प्रेजेंट है. एंटेरियर पोस्टेरियर लेटरल पार्ट इस पार्ट को कहते हैं मास्टॉइड. तो ये फोर फ्रंटनल प्रेजेंट होते हैं ब्रेगमा, लैम्ब्डा, स्फिनोइडल एंड मास्टॉइड फ्रंटनल.